हेलो एवरीवन मैं हूँ स्नेहा ठाकुर और आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का दिल से है स्वागत मेरे चैनल पे सो आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का समय है सुबह के दस बज रहे हैं और धूप अच्छी खिली हुई है हमारे यहाँ सो so, अभी फ़िलहाल मैं काली लाली और स्वीटी के पास हूँ मैं इन्होंने जो भी घास खाने के बाद गोबर की हुई है गोंतर किया हुआ है वो कीचड़ एंड वो गोबर साफ़ करके धूप में सुखाने के लिए रख रही हूँ इससे जो गोबर है वो सूख जाता है और इजीली हो जाता है खेत को ले जाने के लिए फिर उतनी दिक्कत नहीं आती है तो अभी देख सकते हो आप काफ़ी हवा चली हुई है हमारे यहाँ सुबह सुबह भले ही धूप हो बट हवा भी काफ़ी चली रहती है हमारे यहाँ सुबह सुबह तो ये देखिए मैंने ओवरऑल सारा गोबर हटा दिया है बट काली जो है उसने गोंतर गोबर दोनों यू नो हो गए हैं उसके उसने गोबर के ऊपर गोंतर कर दी है बहुत सारी गोंतर मींस जो कऊ सुसु करती है वो तो वो मिक्स हो गया है आपस में और कीचड़ के की फॉर्म में पड़ गया है अब देखो ये देखो जम गया है कीचड़ की तरह काली के पाँव के पास आपको दिख रहा होगा तो अभी फिलहाल मैं ये साफ़ कर रही हूँ अदरवाइज़ काली सुबह से बेचारी बैठी भी नहीं है नीचे बिकॉज़ जो एनिमल्स होते हैं ना वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं वो साफ़ सुथरी जगह में रहना पसंद करते हैं तो काली कभी भी मैंने आज तक काली को कीचड़ में बैठते हुए नहीं देखा ये देखो किस तरह से काली खड़ी ही बैठी हुई है तो उसे पता है कि अभी मैं आऊँगी और साफ़ करूँगी तब जाके वो बैठेगी ये देखिए फिर अब ये जो माऊ है इससे बिल्कुल भी ये कीचड़ साफ नहीं हो रही है बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा और ऊपर से जो जो वो होता है ना फाबड़ा वो हम खेत ले गए हैं बिकॉज आजकल गड़े में भी हम लीचिंग कर रहे हैं आपको पता है फिर पहले हाथों से घास निकाल के फिर वो फाफड़े से भी हटा देते थे हम थोड़ी थोड़ी घास तो इसलिए उस इस वजह से वो हमने अब खेत में ही रखा हुआ है तो अब मैं ढूंढ रही हूँ कि किससे मैं ये कीचड़ उठाऊँ बिकॉज हाथों से मैं ये इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि जो काली लाली है इन्हें हमने घास जो दी थी वो थोड़ी कांटेदार थी तो आप देख सकते हो ये गोबर के बीच में थोड़े हल्की हल्के आपको दिख रहे होंगे तिखे तिखे कांटे जैसे तो ये मेरे हाथों में चुभ जाएंगे फिर काफ़ी दिक्कत आती है इन्हें निकालने में बिल्कुल अंदर चले जाते हैं एकदम से जो घास के कांटे होते हैं डेट्स वाई मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लाया है लकड़ी जहाँ हम रखते हैं वहाँ से तो इसी से मैं कीचड़ साफ़ कर रही हूँ और बड़े इजीली ये कीचड़ उठा रहा है बहुत ही अच्छा होम मेड आप बोल सकते हो डाई फावड़ा <laughs> मैंने बना लिया है आज के दिन तो अब मैं ये गोबर यहीं रखूँगी बिकॉज़ तरपाल के नीचे जहाँ हम पहले गोबर रखते थे अब यहाँ पे हमने हरी घास रखी हुई है ताकि वो सूखे ना बिकॉज़ हरी घास का सीज़न है तो हरी घास ज़्यादा अच्छी रहती है गाऊस के लिए गौ माता के लिए दैट्स वाई हमने रखी हुई है लाकर तो गोबर भी मैं यहाँ सुखाने रख रही हूँ बिकॉज शाम को ही मेरे हस्बैंड ले जाएंगे इस गोबर को खेत को पेड़ों में डालने के लिए सो so, ओवरऑल मैंने ये जो नाली है ये नाली हमने इसलिए बनाई है ताकि जो गौंतर है वो सीधा आ, सीधा कीचड़ ना पैदा करके सीधा नाली से होके बड़ी नाली में चला जाए तो मैंने नाली साफ कर ली है और गोबर भी मैंने इकट्ठा कर लिया है और जो कांटे कांटे रह गए थे घास की आप देख सकते हो वो भी मैंने अब साइड कर लिए गोबर के साथ तो स्वीटी अभी मुझे देख रही है काम करते हुए आ, तो अब ये जो जगह है पूरी तरह से जब सूख जाएगी तो काली लाली नीचे बैठ जाएंगी स्वीटी तो चलो अभी छोटी है उसे तो खड़े रहने में ही मज़ा आता है दिन भर वो तो कभी कभार ही बीच में बैठती है अदरवाइज वो ऐसी रहती है खड़ी खड़ी <laughs> तो आ, मैं आ, काली के नीचे अभी भी थोड़ा साफ कर रही हूँ बिकॉज काली को बिल्कुल सफ़ाई चाहिए अदरवाइज़ वो बिल्कुल नहीं बैठती फिर नाराज़ हो जाती है तो अब मैं आ, स्वीटी का घास स्वीटी अभी छोटी है तो उसका तो अभी घास बचा हुआ है तो वही घास में इकट्ठा करके दे रही हूँ स्वीटी को अच्छे से तो स्वीटी तो ये घास खा रही है सॉरी खा रही है बट काली और लाली आप देख सकते हैं इन्हें मुझे घास देना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने घास खा लिया है तो ग्रीन ग्रीन वाला घास तो इन्होंने सुबह ही खा लिया है तो अब मैं इन्हें सूखा घास ला रही हूँ नीचे से जहाँ हम घास रखते हैं देखो यहाँ पे भी हमने गोबर के ढेर लगा के रखे हुए हैं ये गोबर इसलिए रखा है ये अदरवाइज ये गोबर तो और भी ज़्यादा सूखा है इसी लिए जाना तो और भी इजी है बिकॉज जितना गोबर सूखा होता है ना उतना ज़्यादा उसे खेत पहुँचा सकते हैं हम बड़ी इजीली बट इसे हमने थोड़ा और ज़्यादा सड़ने के लिए रखा है ताकि सड़ सड़ के इसमें बहुत सारे केंचुए लग जाए और केंचुए नेचर के लिए हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं दैट्स वाई हमने ने रखा हुआ है तो इसे हम अभी नहीं ढोएंगे अभी जब एप्पल लग जाएंगे पेड़ों में उसके बाद हम पेड़ों में डालेंगे इसे तो और भी अच्छा रहता है पेड़ों के लिए तो अब मैंने घास ले आई हूं मैं और मैंने काली लाली को घास दे भी दी है अब दोनों बहुत खुश लग रही है मुझे <laughs> बहुत हैप्पी लग रही है मुझे देखो <laughs> so, कार्तिक अभी सोया हुआ है तो अभी सुबह सुबह मैंने मुझे वॉश बेसिन साफ करने की आदत है बट आज मैंने बिल्कुल भी नहीं किया वॉश बेसिन साफ आ रही बात बाथरूम और टॉयलेट की वो तो मैं लास्ट में साफ करती हूँ बिकॉज सुबह सुबह घड़ी घड़ी बाथरूम को दौड़ लगती है कभी पानी लाने के लिए कभी कपड़े धोने के लिए कभी कोई और काम निकल जाता है बाथरूम में तो जब शांति हो जाती है ना हर काम से तब जाके मैं बाथरूम और टॉयलेट साफ करती हूँ बिकॉज़ फिर बाथरूम के साथ टॉयलेट भी मैं तभी साफ़ करती हूँ बिकॉज़ टाइले अदरवाइज़ गीला ही रह गया गीले में फिर से चले गए फिर गंदी हो जाती है तो थोड़ा टाइम लगता है टाइलों को सूखने में तो तब मैं थोड़ा जब काम से निप निपट जाऊँ पूरा का पूरा तब जाके मैं बाथरूम और टॉयलेट साफ़ करती हूँ बट हाँ अभी वॉश बेसिन मैं साफ़ कर रही हूँ बिकॉज इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती तो वाश बेसिन में पहले साफ़ करती हूँ ये देखिए बाथरूम देखिए आप दरवाजे के बाद कितनी कीचड़ जम गई है ना पाओं की तो इसे मैं लास्ट में साफ़ करूँगी बिकॉज़ अभी मुझे पानी वगैरह लाने को ही रहा है पानी मैंने बिल्कुल नहीं लाया अभी बिकॉज खाना बनाने सुबह नाश्ता तैयार करते करते वाटर ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा से पानी लाने के लिए दौड़ लगती है और नलके में तो कभी कभार ही पानी होता है आजकल अदरवाइज़ लोग खेतों में पानी लगाते हैं आजकल गोभी हमने लगाई हुई है खेतों में तो गोभी को पानी देना पड़ता है प्लांट्स जो रोड बनाते बनाते टूट गए थे तो, मतलब उखड़ गए थे उन्हें हमने दोबारा से ज़मीन पे उगाया है तो उन्हें वाटर देना पड़ता है तब जाके उनमें हरी हरी पत्तियाँ आप जाके खिल रही हैं तो दैट्स वाई पानी सूख जाता है बिकॉज़ आजकल खेतों में पानी की ज़रूरत है तो हम लोगों को घर में पानी शाम को आता है नौ दस बजे और कभी कभार ही सुबह होता है पानी अदरवाइज़ नहीं होता तब बाथरूम ही बाथरूम में जो टंकी होती है टंकी का पानी हमें यूज़ करना पड़ता है दैट्स वाई बाथरूम आप देख सकते हो अभी मुझे बेचारा ऐसे ही रखना पड़ेगा इसे गंदा गंदा <laughs> तो वॉश बेसिन को मैं डेली वॉश करती हूँ दैट्स वाई आपको दिख रहा होगा ये साफ़ है इसमें कोई गंद नहीं है तो अगर डेली आप चीज़ों को साफ रखते हो तो नहीं उतना साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड uh, मैं साफ़ वैसे बिम से करती हूँ आपने देखा होगा <laughs> uh, मतलब बर्तन धोने की टिकिया से करती हूँ तो बिकॉज वो जल्दी साफ कर देता है सब कुछ एकदम से गंद साइड हो जाता है तो अब शीशा अभी मैं इसी से साफ़ करूंगी बिकॉज़ जो मैंने स्क्रबर लिया है वो बहुत मुलायम है ये देखे ये स्क्रबर आ, क, कपड़े का है तो देट्स वाई ये बहुत मुलायम है तो इसी शीशे में बिल्कुल भी किसी भी तरह के कोई भी निशान नहीं पड़ेंगे निशान और चीरे नहीं पड़ेंगे हम चीरे बोलते हैं लोकल में <laughs> तो अभी शीशा वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद मैं पहले एक बार अंदर जाके देखूंगी कि कार्तिक उठा तो नहीं अगर कार्तिक नहीं उठा होगा तो मैं साफ़ करने वाली हूँ गैस बिकॉज गैस भी मुझे साफ़ करनी रह गई है उसके बाद मैं पानी भरूंगी पानी भरने के बाद तो फिर आपको पता ही है कि मैं पानी वगैरह भरने के बाद दोबारा मुझे आना पड़ेगा बाथरूम और टॉयलेट साफ़ करने के लिए तो ये देखिए शीशा भी एकदम से चकाचक हो गया ये शीशा मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज ये इसमें ऐसे पानी फेंको बिल्कुल अच्छे से थोड़ी भी धारियाँ नहीं रहती इसमें जबकि जो खिड़कियों में शीशे लगाए ना उसमें ऐसे पानी फेंकूँगी तो रात तक ऐसे लगता है कि शीशा साफ़ नहीं किया उल्टे गंदा कर दिया है बट इस शीशे के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है आईना सो <laughs> so, मेरे हिसाब से तो वॉश बेसिन प्लस आईना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है तो आ, मैंने जो बिम लाया था उसे भी मैं उसी की जगह पे रखने वाली हूँ बिम मतलब जैसा कि मैंने कहा बर्तन धोने की टिक्की आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा बिकॉज ई सी जहाँ रखती है वहीं हमें आदत है अदरवाइज़ फिर मेरे हस्बैंड ढूंढते रहते हैं कभी कोई भी एक गिलास भी धोने आ गए तो, <laughs> तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय आई थे कि अगर वैसी